वंदे मातरम दोस्तों, मैं सोनू पांडे खुरपाती ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन देख रहे थे, तो आज हम उसका अगला टाइप जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर ये है कि तीन वर्गों में छात्र 2:3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों को बढ़ा दिया जाता है तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो शुरुआत में कुल कितने छात्र थे? अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तीन वर्गों में छात्र का अनुपात कितना दिया हुआ है? 2:3:5 दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों को बढ़ा दिया जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है? 4:5:7 हो जाता है। कितना प्रत्येक में कितना बढ़ाया गया है? 20 छात्रों को बढ़ाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ से बढ़ कितना रहा है। तो यहाँ से जब 20 बढ़ाया जा रहा है तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है? रेशियो 2:2 बढ़ रहा है। यहाँ पर भी 3:5 यानी 2:2 बढ़ रहा है। यहाँ पर भी 5:7 यानी 2:2 बढ़ रहा है। तो यहाँ से मतलब प्रत्येक में 2:2 बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल ये तो रेशियो में बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल दिया कितना है? 20 छात्र दिया हुआ है। तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा? 2 कितने के बराबर हो जाएगा? 20 छात्र के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 2:2 का मान 20 है तो 1:2 का मान कितना हो जाएगा? 20/2 हो जाएगा यानी 10 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि शुरुआत में कुल कितने छात्र थे। तो छात्र कितना है? पहला में 2 है, दूसरा में 3 है और चौथा में 5 है। तो 2:3:5:5:10 यानी कुल कितना है? 10 है। यहाँ पर 1:2 का मान 10 आया है तो 10:2 का मान कितना हो जाएगा, यानी कुल छात्र बराबर कितना हो जाएगा? कुल छात्र बराबर कितना हो जाएगा? तो 10:1 दिया हुआ है तो 10 × 10 = 100 यानी 100 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि 76 को 7:5:5:3:4 के अनुपात में विभक्त करने पर सबसे छोटा भाग क्या होगा। अब ये क्वेश्चन जो है ये बंटवारे पर आधारित क्वेश्चन है। जैसे कोई भी संख्या दे दिया जाएगा, उसमें अनुपात दे दिया जाएगा कि संख्या को इतने अनुपात में बांटो। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 76 दिया हुआ है, इसको कितना अनुपात में बांटा गया है? 7:5:5:3:4 में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चारों को जोड़ देंगे। तो 7:5 यानी जो 76 जो है ये चारों का योग के मतलब चारों के योगफल के बराबर है, चारों के योगफल के बराबर है। तो 7:5 = 12, 12×3 = 15, 15×4 = 19। तो 19 के बराबर कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विभक्त करने पर सबसे छोटा भाग क्या होगा, यानी सबसे छोटा इसमें कौन है? तो जिसका अनुपात सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर 3 है जो जिसका अनुपात सबसे छोटा है। तो 19/76 आ गया, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 76/19। तो ये कितना हो जाएगा? 19 × 76 यानी 4 आ जाएगा। तो हम लोग को निकालना है सबसे छोटा वाला, तो सबसे छोटा वाला कितना है? 3 है। तो यहाँ पर हम लोग 3 का मान निकाल देंगे तो 4 × 3 यानी 12 हो जाएगा। लेकिन अगर पूछता, ये तो क्वेश्चन सिर्फ पूछा था कि सबसे छोटा वाला भाग क्या होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछता कि सभी को कितना कितना आएगा तो सभी को हम लोग निकाल देते। तो 1 का मान यहाँ पर 4 निकला हुआ है तो पहला वाला का मान कितना हो जाता? 7×4 यानी ये हो जाता 28। इसी प्रकार से 5×4 कितना हो जाता? 20 हो जाता। 3×4 कितना हो जाता? 4×3 = 12 और 4×4 कितना हो जाता? 16। तो इसी प्रकार से हम लोग मतलब बंटवारे वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे कि दिया रहेगा कोई और उसको अनुपात में दिया रहेगा, तो इसी हम लोग सबको जोड़ कर बराबर कर देंगे और उसको हम लोग निकाल देंगे। जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ये भी बंटवारे के ऊपर ही क्वेश्चन है। जैसे इसमें दिया हुआ है 407 रुपये को ए बी सी में 1:4, 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटने पर उनके भाग क्रमशः क्या होंगे, मतलब अलग अलग ए का भाग कितना होगा, बी का भाग कितना होगा तथा सी का भाग कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो क्या दिया हुआ है, ए अनुपात बी अनुपात
सी का मान कितना दिया हुआ है, तो एक बटा चार अनुपात एक बटा पाँच अनुपात एक बटा छः दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक क्लास में पढ़े थे कि अगर इस टाइप का अनुपात दिया हो तो सबसे पहले उसको हम लोग सिंपल रेशियो में चेंज करते हैं। तो सिंपल रेशियो में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो बटा वाला रहता है उसके लिए, तो जितना भी दिया हुआ है चार पाँच छः इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और उसके बाद इसको हम भाग देते हैं, तो चार से 60 में भाग देंगे कितना हो जाएगा, 15 × 60 15 रेशियो, 5 से भाग देंगे तो 12 × 5 = 60 और 6 × 6 = 60। तो ये हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी का। अब क्या दिया हुआ है कि 407 दिया हुआ है कुल का मान, जैसे टोटल जितना रुपया है उसका मान दिया हुआ है 407। तो पहले हम इसको टोटल को जोड़ देंगे, तो 15 × 12 कितना हो जाएगा, 27 और 10 = 37 यानी 37 हो जाएगा। तो 37 का जो मान है ना, 37 अनुपात का जो मान है वो दिया हुआ है 40 यानी 407 दिया हुआ है। तो यहाँ से एक अनुपात का मान हम लोग निकाल लेंगे, एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, तो 407 / 37। तो ये हो जाएगा, कट जाएगा एक बार और एक बार 11 बार हो जाएगा, यानी 11 हो जाएगा। तो एक रेशियो का मान कितना आ गया, 11 आ गया। हम लोग का ए बी सी किस अनुपात में है, तो 15 / 12 / 10 में है। तो ए का मान कितना हो जाएगा, तो एक अनुपात का मान 11 है, तो 15 का मान कितना हो जाएगा, 15 × 11 यानी 15 × 15 = 5 15 × 16 = 65 हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा, बी का कितना रेशियो है, 12 है, तो 12 × 11 यहाँ पर 2 हो जाएगा, 12 × 13 हो जाएगा, 132 हो जाएगा। फिर इसी तरह से सी का निकाल लेंगे हम लोग, सी का कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो 10 × 11 ये तो ऐसे ही 110 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बंटवारा वाला क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे ये भी क्वेश्चन बंटवारा वाला ही क्वेश्चन है, जैसे इसमें दिया हुआ है ए बी तथा सी ने कुल मिलाकर 19,800 रुपये कमाए। ए और बी के बीच अर्जित कमाई का अनुपात 2:1 है और बी तथा सी के बीच यह अनुपात 3:2 है, तो बी ने कुल कितने रुपए कमाए। तो ऐसा क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं। तो ए बी सी का जो कुल मिलाकर कमाई कितना है, 19,800 रुपया है, और ए और बी के बीच कमाई का अनुपात कितना है, यानी ए और बी के बीच कमाई का अनुपात कितना है, 2:1 है। फिर क्या दिया हुआ है, बी तथा सी के बीच यह अनुपात जो है कितना है, 3:2 है, यानी जो बी अनुपात सी के बीच जो कमाई का अनुपात है वो है 3:2 है। तो सबसे पहले हम लोग तीनों को निकाल लेंगे अलग अलग, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाल लेंगे। तो निकालेंगे यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालेंगे यहाँ से। तो हम लोग बेसिक में पढ़े थे हम लोग कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कि ऐसे पहले आते हैं फिर ऐसे जाते हैं फिर ऐसे आते हैं, इसका मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या हो जाएगा, 3×2 तो ऊपर से नीचे आएंगे तो 2×3 = 6 अनुपात, फिर ऐसे जाएंगे तो 3 × 1 = 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएंगे 1 × 2 = 2 करेंगे 2 आ जाएगा। यानी ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात कितना आ गया, 6:3:2 आ गया। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है ए बी सी का कुल मिलाकर कमाई कितना दिया हुआ है, 19,800 रुपया, यानी कुल तीनों को जोड़ देंगे तो 6×3 = 9 = 2 = 11 यानी 11 जो अनुपात है इसका मान कितना दिया हुआ है, 19,800 रुपया दिया हुआ है। यहाँ पर लिख देंगे 11 × 19,800 रुपया, तो एक अनुपात का मान निकल जाएगा यहाँ से, तो 19,800 / 11 ये कट जाएगा, तो ये कितना कटेगा एक बार में, फिर 11 × 8 = 88 यानी 1800 रुपया आएगा। एक अनुपात का मान कितना आएगा, 1800 रुपया। हम लोग को निकालना क्या है, तो बी का कुल कितने रुपये कमाई है, तो कितना है बी का जो रेशियो है वो कितना है, 3 आया है। एक अनुपात का मान कितना है, 1800 रुपया है, और बी का जो रेशियो है वो 3 है, तो 3 का निकाल देंगे हम लोग यहाँ से, तो 3×1800 ये कितना हो जाएगा, 1854 रुपया हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से हम लोग जितना भी बंटवारा वाला क्वेश्चन होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव वाला क्वेश्चन होता है, इस प्रकार से हम लोग उसको निकाल लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये नोटों पर आधारित क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लगभग एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है। जैसे क्वेश्चन ये है कि एक थैले में 20 रुपया 10 रुपया तथा 5 रुपये के नोट 3:4:5 के अनुपात में है,
यदि थैले में कुल धन 1000 रुपया हो तो 5 रुपये के नोटों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो 20 रुपया है और 10 रुपया है और 5 रुपया है, इसके नोटों की संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है। तो 3:4:5 दिया हुआ है। ये जो अनुपात दिया हुआ है संख्या का, नोटों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। और ये और क्या, यदि थैले में कुल धन का जो वैल्यू है यानी जो मान है 1000 रुपये है, ये जो है ना रुपये का वैल्यू है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगर 3 रुपया है वो कितने का नोट है, 20 का, तो इसका वैल्यू मान कितना हो जाएगा, 20 रुपये का अगर 3 नोट है तो कितना मान हो जाएगा उसका, तो 20 से गुना कर देंगे यानी 60 रुपया हो जाएगा। अगर 20 रुपये का 4 नोट है, सॉरी ये कितने का है, 10 का है, यानी 10 रुपये का अगर 4 नोट है तो उसका कितना रुपया हो जाएगा, यानी 40 रुपया हो जाएगा। और 5 रुपये का 5 नोट है तो उसका कितना रुपया हो जाएगा, तो 25 रुपया हो जाएगा। यानी ये जाकर हुआ इसके वैल्यू का अनुपात हुआ। तो इसी का जो मान दिया है, तीनों का योग का जो मान दिया हुआ है ना, वो 1000 रुपया दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा ये, 60, 40, 100 हो जाएगा और 125, यानी 125 हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर वैल्यू यहाँ पर रुपये जो रुपया का जो है ना वैल्यू दिया हुआ हो और अनुपात जो है संख्या में दिया हुआ हो, तो सबसे पहले उसको हम लोग वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू में हम लोग चेंज कर लिए तो यहाँ पर कितना आ गया, कुल कितना हो गया, 125 आ गया। तो 125 का मान कितना दिया हुआ है, 1000 रुपया दिया हुआ है। तो यहाँ से एक का अनुपात निकल जाएगा, तो एक का कितना हो जाएगा, 1000/125, यानी 8 बार में शायद कट जाएगा, 25 8 हाँ 8 बार में कट जाएगा। यानी 1 बराबर कितना आ गया, 1 अनुपात बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। और क्वेश्चन पूछ रहा है तो नोटों की संख्या है, तो 5 रुपये की नोटों की संख्या कितनी होगी, तो 5 रुपये की नोटों की संख्या कितनी है, तो अनुपात कितना है 5 नोटों की संख्या की, 5 रुपये की 5 है, तो यहाँ पर 8 में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 5 रुपये की नोटों की संख्या का अनुपात कितना हो जाए, 5 रुपये की नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर 5 दिया हुआ है अनुपात में, तो 5 गुने यहाँ पर 8 लिख देंगे, तो हो जाएगा 40। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। जैसे इसमें दिया हुआ है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों का मूल्य जो है, मूल्य का अनुपात जो दिया हुआ है 5:4:1 के अनुपात में है। इन सिक्कों की संख्या क्रमशः कितनी है, तो इसमें उसमें क्या दिया था ना कि उसमें सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ था और मूल्य दिया हुआ था। लेकिन इसमें सिक्कों की संख्या का मूल्य, सिक्कों की संख्या दिया हुआ है और उसके मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। यानी कौन कौन सा 1 रुपये का है और 50 पैसे की है और 25 पैसे की है, और अनुपात दिया हुआ है जो उसका मूल्य का अनुपात दिया हुआ है कितना है, 5:4:1 में है, के अनुपात में है। तो इन सिक्कों की संख्या क्रमशः कितनी है, तो संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, तो पहले हम लोग यहाँ पर मूल्य दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले हम लोग इसको इसकी संख्या निकालेंगे। तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 1 रुपये की अगर 1 रुपया है और 5 रुपया है, तो 1 रुपया की कितनी संख्या होगी, नोटों की संख्या कितनी होगी। अगर 5 रुपया दिया हुआ है तो उसमें 1 रुपया की कितनी नोटों की संख्या होगी, तो 5 होगी। और यहाँ पर 4 रुपया दिया हुआ है तो 50 पैसे की कितनी उसमें नोट होगी, तो 8 हो जाएगी, यहाँ पर 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 रुपया दिया हुआ है तो 1 रुपये में 25 पैसे की कितनी नोट हो जाएगी, तो 4 हो जाएगी। इसी प्रकार से हम लोग 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे की नोटों की संख्या का अनुपात यहाँ पर निकल गया। अब तीनों के जो योगफल है, नोटों की संख्या का जो योगफल है वो 340 यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहले इसको हम जोड़ देंगे, 8 5 13 13 4 17, यानी कुल कितना है 17। तो 17 का मान कितना दिया हुआ है, 17 का मान दिया हुआ है 340 दिया हुआ है। यहाँ से एक अनुपात निकल जाए, एक का अनुपात का मान निकल जाएगा 340/17, तो कितना हो जाएगा, 17 × 2 = 34, यानी 20 निकल जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, इन सिक्कों की संख्या का क्रमशः कितनी है,
तो एक रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? 5 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 8 है। और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 4 है। तो एक अनुपात का मान 20 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा, यानी एक रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 5 × 20 यानी 20×5 = 100 हो जाएगी। इसी प्रकार से 50 पैसे, जो 50 पैसे है इसकी सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसका अनुपात कितना दिया हुआ है? 8। तो 8 × 20, 8 × 16 = 160 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर 25 पैसे की संख्या भी निकाल लेंगे, तो 25 पैसे की संख्या कितनी हो जाएगी? 25 पैसे की नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो अनुपात संख्या कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। तो 4 में हम लोग 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 20×4 = 80। इस प्रकार से हम लोग नोटों पर आधारित जितनी भी क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन इस टाइप का दिया हो कि मुर्गी और गाय की संख्या दिया हो और उसके पैरों सर की संख्या भी दिया हो और पैरों की संख्या दिया हो, फिर उसमें से निकालना हम लोग या तो मुर्गी की संख्या बताए या गाय की संख्या बताए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो गाय दिया हुआ है यहाँ पर और मुर्गी दी हुई है। गाय का कितना पैर होता है? 4 पैर होता है। मुर्गी कितनी पैर होती है? 2 होती है। और सर की संख्या कितना दिया हुआ है? 48 दिया हुआ है। तो यहाँ पर समझेंगे कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हम जो रहीम के पास केवल गाय है, तो अगर केवल गाय होगी तो पैरों की संख्या कितना हो जाएगा? तो एक गाय की 4 पैर होती है और 48 गाय है, तो कितना हो जाएगा? तो 8×32, 4×16, 16×3 = 19, 192 हो जाएगा। और हम मान लेते हैं कि अब क्या करते हैं ना, हम मान लेते हैं कि जो रहीम के पास केवल मुर्गी है, तब पैरों की संख्या कितना हो जाएगा? तो एक मुर्गी का जो 2 पैर होता है तो 48 मुर्गी कितना हो जाएगा? तो 48×96 = 96 हो जाएगा। हम यहाँ पर मिक्सर का नियम है ना, उसका हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो मिक्सर का नियम क्या होता है कि इसको यहाँ पर मान लेते हैं और फिर इसको यहाँ पर मान लेते हैं। तो ये हो गया गाय की पैरों की संख्या, ये हो गया मुर्गी के पैरों की संख्या जो हम लोग माने हैं। लेकिन एक्चुअल में जो पैरों की संख्या दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 140। तो जो एक्चुअल है ना उसको हम लोग यहाँ बीच में रख देते हैं। 140 हो गया। अब क्या करते हैं, मिक्सर के नियम में क्या करते हैं, इसको ऐसे घटाकर यहाँ पर लिखते हैं और इसको ऐसे घटाकर यहाँ पर लिखते हैं। इससे क्या होगा ना, गाय और मुर्गी के संख्या का अनुपात निकल जाएगा। तो यहाँ पर एक नियम होता है ना कि जो दोनों में जो सब ज़्यादा होता है उससे कम वाले को घटाते हैं, और यहाँ पर भी जो ज़्यादा होता है उससे कम वाले को घटाते हैं। तो 192 में 140 में 140 कम है, तो 192 में से 140 को घटाएंगे तो कितना आएगा? तो 12 में यहाँ पर 2 हो जाएगा और 9 में से 4 गया 5, यानी 52 हो जाएगा। और यहाँ पर अब 140 में से 96 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 में से 6 गया तो 4 हो जाएगा, और 13 में से 9 गया कितना हो जाएगा? 44, यानी 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग कितना आ गया, गाय और मुर्गी का जो संख्या का रेशियो है ना वो 44:52 आ गया। इसको और हम लोग सिंपल कर सकते हैं, 4 से कटा देंगे तो 11×44, 13×52। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गाय और मुर्गी की संख्या का जो रेशियो है वो कितना आ गया, 11:13 आ गया। और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 11:13, यानी कुल जो सर की संख्या है, यानी कुल वहाँ पर मुर्गी और गाय की संख्या कितना दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है। ये दोनों को जोड़ देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी 24 अनुपात के बराबर कितना दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है। तो 24/48 यहाँ पर हो जाएगा। तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 24×48 = 2 हो जाएगा। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मुर्गियों की संख्या कितनी है, तो मुर्गी का अनुपात कितना है, 13 है। तो जब 1:2 है तो 13:1 कितना हो जाएगा, तो 13×2 यानी 26 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर पूछता है कि गायों की संख्या कितना है, तो गाय का अनुपात कितना है यहाँ पर, 11 है, तो 11 में 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते तो 22 आ जाता। इस प्रकार से इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।